आज के प्रत्येक क्लास है सत्रह नौ 1964 गुरुवार रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम कैसा गीत है? है प्यार का सागर लेकिन हमारी क्या हालत है? एक एक बूंद के प्यासे हम ऐसे क्यों है? किस समय का गीत है? है संगम युग का जो भक्ति मार्ग में गाया हुआ है तो संगम युग में बाप के जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो एक एक बूंद के प्यासे क्यों हैं? है ज्ञान की तलब के लिए ज्ञान की ललक है एक एक बूंद की सागर में गोते नहीं मारते हैं? गोते मारने से थोड़ा मिलेगा जैसे देहधारियों में डूबते हैं ऐसे डुबक नहीं मारते। अरे गड्ढे गड़ीचियों में थोड़ा पानी होता है और सागर में तो अथाह जल है। ये तो ज्ञान सागर है प्यार का सागर है सुख का सागर है शांति का सागर है पवित्रता का सागर है। कहीं ऐसा तो नहीं है गड्ढी गड़ियाचियों में दिल लग गया हो? है कहीं दिल लग जाती है तो क्या होता है? दिल से दिल को राहत होती है या नहीं होती है? है तो गड्ढे गड़ीचियों के दिल से अगर दिल लग गई दिल से दिल को राहत होने लगी तो कुछ घाटा आएगा या नहीं आएगा? और एक जन्म की बात तो है नहीं, कितने जन्मों की बात है? है 84 जन्मों की बात है। दिल तो लगाते आए है ना? है तो जिनसे जिनसे हिसाब किताब है वो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे तो कटौती होती रहती है। और जो हमें मिलना चाहिए वो प्राप्ति हम अनुभव नहीं कर पाते, अधूरा महसूस करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते आए हैं और उस अथाह प्यार के सागर की महिमा गाते आए हैं। है महिमा तो है परमपिता परमात्मा की। किसकी? परमपिता परमात्मा की। परमात्मा परमपिता परमपिता परमात्मा की महिमा तो है क्योंकि वो ज्ञान का सागर तो है ही।
किसके तन से बोला? कहाँ बैठा हुआ था? बाजू में ही बैठा हुआ था ना, फिर वो क्यों कर दिया? हाँ? जो बोलने वाला है बोल रहा है, बाजू में बैठा है, वो परमपिता नहीं है? अरे परमपिता आत्माओं का पिता, जिसका कोई भी पिता नहीं, हीरो पार्टधारी का भी वो पिता है, वो किसके बाजू में बैठा बोल रहा है? बाजू में ही बोल रहा है ना, फिर ऐसे क्यों कहा? वो ज्ञान का सागर है, परमात्मा जिसका नाम बाद में लिया जाए वो छोटा होता है या बड़ा होता है? शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि बड़ा पहले, जिसकी बड़ी महिमा है वो पहले और वो बाद में है। तो बड़ा देने वाला कौन हुआ? पहला नंबर या दूसरा नंबर? पहला नंबर। लेकिन वो पहला ही नंबर है, ब्रह्मा के बाजू में ही बैठा हुआ है, है तो आत्मा ना? आत्मा देती है या शरीर देता है? देने वाली तो आत्मा ही है, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है। तो वो कह करके दूर क्यों कर दिया? बाप के पास कैसे रखी? हाँ, तो वो बाप ही तो बैठा है आत्माओं का उसमें। करोड़ रथ के बारे में इशारा किया, मुकर्रर रथ के बारे में इशारा किया। रथ तो जड़ है, प्रजापिता तमो प्रधान आत्मा है, जड़त्व में ही आत्मा है, पत्थर का लिंग है, कलयुग के अंत में हीरे का है या सोने का लिंग है? पत्थर बुद्धि है या पावन बुद्धि है? है उसकी तरफ इशारा किया, उस एक की तरफ इशारा किया, पत्थर बुद्धि की तरफ। तो वो कह करके किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट उस समय चल रहा था। हाँ, वो तो चल रहा था जब बोला गया तब। हाँ, मैं ही फ्यूचर में बाप का पार्ट बजाऊंगा, इसलिए वह इशारा पहले ही दे दिया। हाँ, बताया कि वो जो प्रकृति का पुतला भी है और आत्माओं का उसमें बाप भी है, वो साकार में निराकार, ज्ञान का सागर तो है ही। ये नहीं कहा मैं ही हूं जो ब्रह्म के तन में बोलता, वो ज्ञान का सागर नहीं। क्यों? ब्रह्मा के तन में जो बोला वेदवाणी, जो शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वेद माने जानकारी, सत्य की जानकारी, तो वो ज्ञान का सागर नहीं हुआ? है? क्यों नहीं तो कह दोगे फिर? क्यों? गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान था, गीता ज्ञान अमृत नहीं था। हाँ,
अमृत जो मंथन किया जाए और सार निकले, शक्ति दे। आज संसार में इतने धर्म हैं, इतने उनके शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र जिन्हें कहा जाता है, और भारतवासियों के तो अनेक धर्म शास्त्र हैं, परंतु उनमें गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है। तो गीता माता को ज्ञान का सागर कहा, उसको भी नहीं कहा। वेदवाणी जो ब्रह्मा के मुख से मुरली निकली, वो भी सागर नहीं। क्यों? क्योंकि किसी की समझ में तो कुछ आया ही नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहें क्यों नहीं समझ में आया, हमारे तो समझ में आती है मुरली, तुम लोग बुद्धू हो जो नहीं आती होगी। फिर उनसे पूछा जाए तुम्हारी समझ में क्या आया, कि जो ज्ञान का सागर है कौन है? ब्रह्मा को कहें? अगर ब्रह्मा को कहें तो वो कहां है? ज्ञान का सागर है, सच्चाई का सागर है, तो सच्चाई से क्या स्थापन करता है? सच्चाई से तो सच्चखंड की स्थापना होनी चाहिए। कहां है सच्चखंड? है सच्चखंड शांति धाम। चलो हम तुम्हें दिखा के लाए शांति भवन। अरे शांति भवन ईंटों का भवन, क्या शांति होती है? शांति स्थूल होती है या सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है? मन बुद्धि शांति का अनुभव करे। ईंटों के महलों में शांति का अनुभव करती है? अगर ऐसा ही होता तो विदेशों में बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, गगनचुंबियों को छूती हुई, वहां शांति है? क्यों है? इंडिया के लोग तो बहुत भाग रहे हैं, वहां नहीं भाग रहे हैं? बड़े बड़े जो मनीषी विद्वान छटे हुए विद्यार्थी हिंदुस्तान के, ऊंची डिग्री पाने वाले है, स्कॉलरशिप पाने वाले विदेशों में नहीं भाग रहे हैं? क्यों? कमाने के लिए क्योंकि बाबा वो भौतिक सुख को सब सुख मान ले, उन्हें वहां सुख नहीं, सुख का सागर नहीं दिखाई पड़ता है, वहां शांति नहीं दिखाई पड़ती। अगर वहां शांति होती, हाँ वहां शांति न होती, सुख उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, तो वहां क्यों भागते? डॉलर के लिए नोटों की गड्डियां उनके पेट में भर दिया जाए, डॉलर भर दिए जाए, सुख शांति भर दी मिल जाएगी। इसलिए तो जा रहे हैं बाबा सब डॉलर के लिए। नहीं, मन की शांति, मन का सुख बाहर नहीं है। क्या बाहर नहीं है? अंदर है। बाबा क्या कहते? शांति गले का हार है, जब चाहो गले में डाल लो, पहन लो। विदेशों में जाने से, विदेशों में डॉलर कमाने से नहीं मिलेगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में नहीं मिलेगी।
100-200 मार की इमारतें बनाई हुई हैं, ऊपर पहुंच जाओ लिफ्ट से और वहां देखो आह कितनी ऊंचाई पे आनंद ले रहे हैं। अगर वही आनंद है तो वहां सुइसाइड होते हैं कि नहीं? ज्यादा होते हैं। जीवघात होते हैं? शांति में कोई जीवघात करता है? इसे साबित होता है कि ईंटों का शांति धाम सुखधाम बनाने से शांति का सागर महसूस नहीं होता और कागज की मुरलियां पढ़ने से शांति नहीं मिलती। उन मुरलियों के बारे में बाबा ने खुद ही ब्रह्मा के मुख से बोल दिया। क्या? अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, जो अमृत पे करके अमर महसूस करो, सदा काल की सुख शांति में महसूस करो। फिर वो मुरलियां क्या है? हैं? भगवान की गाई हुई नहीं है? अरे मुरलियां भगवान की बोली हुई नहीं है क्या? बोली हुई है, लेकिन भगवान का वो रूप माता का रूप है, बाप का रूप नहीं है। बाप है बीज और माता है धरणी। किसको महत्ता देंगे? बीज को बाप कहा जाता है। तो वो बाप जो ज्ञान का सागर है ही, वो परमपिता परमात्मा है, जिसकी सबसे जास्ती महिमा भक्ति मार्ग में गाई जाती है और सब धर्मों में भक्ति तो है ही, सब धर्मों में उसकी महिमा है। जैसे भक्ति मार्ग में और प्रकार का गायन होता है, ये सभी जो उत्सव मनाते हैं ये भी भगवान के ही गायन है। इस समय की गायन है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं उस समय के ही ये त्योहार आदि जो उत्सव मनाते हैं वो इस समय के गायन है। ऐसे ही कोई मनुष्य का या कोई साधु संत महात्मा का गायन हो सकता है क्या? है? ऐसा गायन नहीं हो सकता जैसा भगवान का भक्ति मार्ग में होता है। पर ब्रह्मा का गायन पूजन होता है? है? क्यों नहीं होता? पूजा का कनेक्शन किस बात से है? संगम युग में पुरुषार्थी जीवन में जितनी ज्यादा पवित्रता प्रत्यक्ष होगी तो भक्ति मार्ग में उसका रिजल्ट क्या आएगा? पूजा और गायन भी होगा, मूर्तियां बनेंगी, चित्र बनेंगे। अगर प्योरिटी नहीं तो पूजा भी नहीं, गायन भी नहीं, मूर्तियां भी नहीं। अगर होंगी भी तो उनका महत्व तो नहीं देंगे दो दुनिया के लोग। अच्छा आपने तो सुन लिया बड़े आराम से, कोई विरोध नहीं किया। बीके वाले इस बात को सुन लेंगे, मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आप अपोजिशन कर सकते हैं?
अरे अगर वो नहीं मानते हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि ब्रह्मा में पवित्रता की पावर नहीं थी इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। पूजा का आधार है पवित्रता जीवन में, क्या क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे ब्रह्मा के इतने ढेर मंदिर क्यों नहीं। वो तो बता दिया ना, मंदिर नहीं है, यादगार नहीं है, माना जिस पावर से दुनिया के सारे कार्य होते हैं वो प्योरिटी की पावर है ब्रह्मा से और ब्रह्मा कुमार कुमारियों से तथा कथित से जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनसे साबित नहीं हुई। वो तो इन बातों का ऑपोजिशन करेंगे, आप क्या जवाब देंगे आती है आपसे। यही तो ये प्रश्न है कि आप कैसे साबित करेंगे कि उनमें ब्रह्मा में पवित्रता नहीं थी। हाँ, पवित्रता जीवन में आती किससे है, हर मनुष्य आत्मा को कहाँ से प्योरिटी की पावर मिलती है, शांति आती कहाँ से है, मूल रूप में सुख आता कहाँ से है, उस मूल को उस बीज को नहीं पकड़ा है, ब्रह्मा ने भी नहीं पकड़ा है। ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना, पहचाना तो कहते हैं पहचाना है, दो दो बातें करते हैं। ब्रह्मा ने बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को नहीं पहचाना। अगर कोई प्रैक्टिकल में फेल है और थ्योरी में पास हो जाए तो उसे पास हुआ मानेंगे है। ब्रह्मा अपने जीवन में प्रैक्टिकल में फेल हुआ स्वर्ग स्थापन करने में कि पास हुआ, ऐसे तो वो गांधी जी भी कहते थे राम राज्य लाएंगे, फिर राम राज्य आया क्या, और ही कांग्रेस गवर्नमेंट में रावण राज्य पैदा हो गया भारी रूप में। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग आया या नरक ही रहा, और ही घोर नरक होता जाता। तो वो प्योरिटी की पावर कहां से आती है, बच्चों में भी क्या कारण है कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको राजाई मिलती आई है हिस्ट्री में, क्या कारण है, है? लंबे समय की प्योरिटी होती है माँ और बाप में, उस प्योरिटी की पावर से पहला बच्चा पैदा होता है, और प्योरिटी की पावर के कारण बुद्धि भी पवित्र होती है और पवित्र बुद्धि से दुनिया के सारे कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे ही जो परमपिता परमात्मा बीज है इस मनुष्य सृष्टि का, उस बीज बाप को अगर नहीं पहचाना जिसका गायन सभी धर्मों में है, सभी धर्म वाले उसे मानते तो हैं, जानते नहीं है, प्रैक्टिकल में मानते हैं या हवा को मानते हैं है? अरे इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन
ये उसके प्रैक्टिकल रूप को जानते हैं या हवा समझते हैं, है? बिंदु निराकार समझते हैं कि साकार प्रैक्टिकल मानते हैं, वो तो निराकार मानते हैं। वो निराकार क्यों मानते हैं? साकार को क्यों नहीं पहचाना उन्होंने? जो प्रैक्टिकल स्वरूप है परमात्मा बाप का, जो प्रैक्टिकल में आके स्वर्ग स्थापन करता है, न पहचानने का कारण क्या? क्योंकि ब्रह्मा की गोद में पले हैं। उन्होंने बाप की गोद की तमन्ना ही नहीं की। अपने सारे जीवन में ब्रह्मा को तरजीह दी और बाप को ठोकर मार दी यज्ञ के आदि में भी। तो सवाल पैदा होता है, आदि सो आदि में ठोकर मार दी तो संगम युग के अंत में जब बाप पूरा संसार में प्रत्यक्ष होगा तो ठोकर मारेंगे कि नहीं मारेंगे? है? सभी धर्म वाले ठोकर मारते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है? प्राप्ति से वंचित। क्यों? उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। बाप को न पहचानने के कारण जो 100% सत्ययुग की स्थापना बाप करता है उसकी प्राप्ति उनको नहीं होती। जो सूक्ष्म बीज रूप धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं उनको तो होती ही नहीं है। उनके बाद में आने वाली फॉलोअर आत्माओं को भी नहीं होती है, अपने धर्म के पक्के होते हैं। परंतु उनके जो आधार मूर्त और उनकी जो बीज रूप आत्माएं हैं उन बीज रूप आत्माओं में भी नंबर वार हैं कि सब एक जैसे हैं। वो भी बीज रूप नंबर वार हैं, आधार मूर्त नंबर वार है। वो आधार मूर्त कहाँ है और बीज रूप कहाँ है? आधार मूर्त बेसिक में है और बीज रूप एडवांस में, क्योंकि सब बीज रूप एडवांस में बाप को पहचानते हैं। नंबर वार से हाँ कहेंगे, नंबर वार पहचानते हैं। अच्छा, नंबर वार में फेलियर ज्यादा है कि पास होने वाली की संख्या ज्यादा है? नौ दस हिस्से कर दो, उनमें से जो असल सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं, और उन चंद्रवंशियों में भी जो अपन को सूर्यवंशी में कन्वर्ट कर लेते हैं इसी ब्राह्मण जीवन में, वो पहचानते हैं और बाकी 80% नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? वही बात जो अभी चल रही थी है, मूल कारण बताओ। ब्रह्मा ने भी नहीं पहचाना, बाप को ठोकर मार दी। हाँ, क्यों ठोकर मार दी? हाँ, कि जो असली पवित्रता का सागर बाप है, प्रैक्टिकल जीवन में पार्ट बजाने वाला, उस बाप को नहीं पहचाना, न पहचानने के कारण ठोकर मार देते हैं। तो बोला
उनका गायन पूजन नहीं। यादगार नहीं।, नहीं होती है। जब भक्त बैठकर गाते हैं तो उनकी महिमा करते हैं, इनकी नहीं, किनकी? ब्रह्मा की महिमा नहीं करते हैं, इसके कीर्तन करते हैं, हैं? उनकी किनकी? उनकी कह के दूर क्यों गया? हैं? अरे 64 की वाणी है, 64 में जिसकी महिमा की बात हो रही है वो पार्ट नहीं बजा रहा था, भविष्य के लिए इशारा किया कि वो बाप परमपिता परमात्मा जिनकी भक्ति मार्ग में गए गायन करते हैं, महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है। अगर चुल्लू पानी का भी मिले तो फिर हम यहां से चले जावे। चुल्लू पानी में गोता क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? फिर तो हम यहां नहीं रह सकते, कहां रहें? फिर कहां जाएं? मुक्ति धाम जाएंगे या जीवन मुक्ति धाम जाएंगे? हैं? मुक्ति धाम जाने के लिए चुल्लू पानी में स्नान करके मुक्ति धाम जाएंगे? हाँ? गड्ढे गड़ेचियों में स्नान करने से मुक्ति धाम चले जाएंगे? इसको कहा जाता है जीवन बंद धाम। क्यों? इस दुनिया को दुख धाम क्यों कहा जाता है, जीवन बंद धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि है? इसलिए कहा जाता है यहाँ सब ज्ञान देने वाले गड्ढे गड़ीचियां हैं, उन गड्ढी गड़ीचियों में स्नान करते हैं, बाप को नहीं पहचानते। महिमा तो एक की ही होती है, परंतु इस एक को जानते नहीं है, हैं? ब्रह्मा के मुख से ही बोल रहे हैं, और बड़ी बड़ी दीदी दादियों के सामने बोल रहे हैं। क्या? कि उसे एक बाप को जानते नहीं है, और ब्रह्मा के कान बड़े बड़े हैं तो सुन भी रहे हैं। फिर क्या अपने ऊपर लागू करते हैं? हैं? क्यों नहीं लागू करते? दुनिया और लौकिक पर लागू करते, इसलिए लागू नहीं करते कि वो निराकार को मानते हैं भगवान का रूप। क्या? भगवान के प्रैक्टिकल रूप साकार को नहीं मानते हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई, अल्लाह मियां ने धरती बनाई, अल्लाह मियां ने आकाश बनाया, अल्लाह मियां ने सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, कहते हैं ना? है? तो उनसे पूछा जाए कैसे बनाए? अल्लाह मियां ने ये फरमाया। कहां से फरमाया, कहां से आवाज आई? है? आसमान से आवाज आई? अब ऐसे तो हो नहीं सकता। सिर्फ तुम ही बच्चे जानते हो उस परमपिता परमात्मा को, जो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर साकार में आकर के पार्ट बजाता है। सो भी बाबा कहते हैं ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, एक जैसा नहीं जानते हो। नहीं तो बाप का बच्चा बना तो फिर एक ही माँ बाप का बच्चा बन जाता है कि दो चार का? तो एक ही माँ बाप के बच्चे बने कि अभी भी गुंजाइश है?
कि दो चार को और बनाएंगे अभी। जैसे भक्ति मार्ग में एक गुरु करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, पीछे के गुरु को छोड़ते जाते हैं, नया गुरु बनाते जाते हैं। ऐसे माँ बाप भी बदलते जाएंगे क्या है? जब एक ही माँ बाप का बच्चा बन जाता है तो बस, फिर तो वो बाप ही बाप है। परंतु ये जो देह अभिमान और देही अभिमानी की बात होती है ना, तो वो जो लौकिक बाप है उसको ही कहा जाएगा देह अभिमानी है? उसको क्या कहेंगे? लौकिक बाप को देह अभिमानी, यानी आत्मा को जन्म जन्मांतर वो देह अभिमानी बाप याद नहीं पड़ता है। कौन सा याद पड़ता है? जो सदैव सदैव आत्मा बन करके रहता है, परम धाम में है तो भी आत्मा, इस सृष्टि पर आता है तो भी आत्मा, और कर्म करते भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है। ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हम तो कठिन समझते हैं। घड़ी 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 क्या आत्मिक स्थिति में रहते हैं कर्म करते हैं? भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? मैं एक गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। वो तो मुख की बात रही है। अब सबसे मुश्किल कर्म कर्मेंद्रिय कौन सी है जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें घड़ी घड़ी भूल हो जाती है, और जो घड़ी घड़ी बुलाता है, कितना भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी वो देहबान जल्दी निकलता ही नहीं है। जिसके लिए गाया जाता है क्या, काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय जीते, कान है, आंख, अगर कान आंख की बात होती तो उसमें तो ब्रह्मा बाबा सबसे आगे हैं या नहीं है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इन इंद्रियों में तो वो जीत गए। फिर उनकी पूजा क्यों नहीं होती? उन्होंने तो इंद्रियों को जीत लिया। अरे ज्ञान इंद्रियों को भी जीत लिया, फिर भी पूजा क्यों नहीं होती? विचार करो। जिसके लिए शास्त्रों में गायन है क्या, वो एक ही का गायन है, और वो प्रैक्टिकल पार्ट का गायन है। क्या पार्ट है? प्रैक्टिकल पार्ट है, काम जीते जगत जीत, कामदेव को भस्म कर दिया। तो आत्मा को अपना बाप नहीं याद पड़ता है जिसमें देह भान होता है। जो देह देने वाले हैं क्या, जो देह देने वाले हैं उनको याद करते हैं है? नहीं, अरे स्त्री पुरुष
एक दूसरे को देह का अर्पण करते हैं कि नहीं करते हैं ना, तो जो देह देने वाले हैं उनको याद करते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, अभी यही तो मूल है ना, यही मूल भूल है कि आत्मा अपने बाप को भूल गई है। यूं अपन को कोई भूले हुए नहीं है, परंतु सन्यासी या विद्वान लोग ये आत्मा को भुलवाए देते हैं। भुलवाते हैं कि नहीं, कैसे वो आत्मा को कैसे भुलवाते, बोलते नहीं कि तुम आत्मा हो। वो क्या ये सिखाते हैं कि तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो, फिर बाप को भुला देते हैं। बाप को भुला देते हैं, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम भी आत्मा सो परमात्मा, तुम भी आत्मा जो परमात्मा। माना जितनी भी आत्माएं हैं सब सब परमात्मा। तो एक को याद करेंगे या सबको याद करेंगे? सबको याद कर सकेंगे? भूलेंगे नहीं। अरे सहज क्या है, एक को याद करना सहज है या सबको याद करना सहज है? तो किसने भुलाया है? जिन्होंने कहा आत्मा सो परमात्मा, ये नहीं बताया कि कौन सी पार्टिकुलर आत्मा सो परमात्मा, क्या ये बताया? नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि एक वो कौन सी आत्मा जो परम पिता नहीं है लेकिन परमात्मा है। अच्छा बताते तो तब जब वो खुद जानते होते हैं? खुद नहीं जानते? नहीं जानते क्यों? वो राम को भगवान नहीं कहते कोई है? त्रेता वाला राम, जो त्रेता वाला राम है वो संगम युग में राम नहीं होता, गायब हो जाता है, होता है कि नहीं? और वो परम पाटधारी नहीं होता है? वो त्रेता वाला राम संगम युग में परम पाटधारी होता है या नहीं होता है? हीरो पाटधारी नहीं होता, कि शिव होता है? शिव है परम पाटधारी हीरो पाटधारी या राम है? शिव नहीं है, है? शिव की तुलना पत्थरों से नहीं कर सकते। हीरो है माना हीरा है, और शिव न हीरा बनता है और न पत्थर बनता है, वो तो सबसे तुरिया है, उसको टैली नहीं कर सकते किसी आत्मा के साथ। तो ये गुरु लोग उस हीरो पाटधारी को न जानने के कारण सबको क्या करते हैं? भुलाए देते हैं। किसको भुलाए देते हैं? जो परमपिता परमात्मा के रूप में पार्टधारी है उसको भुलाए देते हैं। आत्मा को भुलवा करके परमात्मा अपन को कहलाए देते हैं। आत्मा को एक तो अपनी ही पहचान पूरी नहीं है, है? जो भी विद्वान पंडित आचार्य
सन्यासी धर्म पिताए हैं उनको अपनी आत्मा की जन्म जन्मांतर के पार्ट की पहचान है नहीं है, अपनी ही पहचान नहीं है। फिर परमात्मा बाप की पहचान कैसे दे रहे हैं? उसको कैसे बताए देते आराम से आत्मा सो परमात्मा? कहते भी हैं बरोबर कि हम जीव आत्मा हैं, हैं? क्या हैं हम? जीव आत्मा कहते हैं ना। आत्मा को जास्ती न सताओ, हमारी आत्मा को जास्ती तंग न करो। जीव आत्मा सुखी दुखी होती है कि परमपिता सुखी दुखी होता है? जीव आत्मा सुखी दुखी होती है। परमपिता भी जिस जीव आत्मा में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके पुरुषार्थी जीवन में, जीवात्मा जिसमें प्रवेश किया वो सुखी दुखी हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है, परंतु बाप कहते हैं, आत्माओं का बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। आप समान बना है, जैसे मैं सदा काल का आत्मा अपने को अनुभव करता हूँ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी अनुभव करता हूँ, वैसे ही तुम बच्चे भी अनुभव करेंगे। कोई लंबे समय तक अनुभव करेंगे और कोई थोड़े समय के लिए अनुभव करेंगे। क्योंकि तंग तो आत्मा ही होती है ना। जो परमपिता परमात्मा है वो तंग दुखी होता है? है? पहली बात तो जिसमें ज्ञान होगा, सागर की तरह अथाह ज्ञान होगा, वो ज्ञान की शक्ति से दुख को काट सकेगा कि नहीं काट सकेगा? है? गीता में भी लिखा है ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम्। ज्ञान अग्नि से जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म किया जा सकता है तत्काल तक्षण। बुद्धि में ज्ञान आया और उस दुख का भेदन कर लिया, कोई शिकवा शिकायत नहीं। दुखी होगा? नहीं हो सकता। आत्मा को जब गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं, तो भी देखो तो उनको वहां शरीर का साक्षात्कार होता है, तब उनको भासता है। नहीं तो आत्मा को कोई क्या कर सकता है? गर्भ में आत्मा दुखी होती है या नहीं होती है? क्यों दुखी होती है? हैं? संपूर्ण आत्मा है या अपूर्ण आत्मा है? अपूर्ण आत्मा है। सूक्ष्म शरीरधारी है या सूक्ष्म शरीर से भी रहित है? सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्मा ने प्रवेश किया है, सूक्ष्म इंद्रियों के साथ प्रवेश किया है। तो सूक्ष्म शरीरधारी को संपन्न कहे हैं? है? नहीं कह सकते। दुख भासता ही तब है जबकि देह का भान होता है, शरीर होता है,
तो गर्भ में आकर के जो आत्मा प्रवेश करती है उसको शरीर होता है कि नहीं होता है? है? शरीर तो होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है। शरीर तो उनको साक्षात्कार ही स्थूल का कराएगा ना, कोई सूक्ष्म का नहीं कराएंगे। तब तो फील करते हैं कि हमको दुख मिल रहा है, हमको निकालो बाहर। गर्भ से बाहर आने के लिए त्राहि त्राहि करते हैं। अभी तो बच्चों को समझा दिया है कि पहले पहले आत्मा से ये प्रैक्टिस करो कि हम ये शरीर के साथ होने से फिर ये हमारा मामा बनता है, ये काका है, ये चाचा है। कब बनता है? हम शरीर के साथ हैं तो मामा चाचा काका ताऊ है, और देवान से परे हो जाए है तो न कोई काका न मामा न चाचा न काका न ताऊ। अच्छा बाप रहेगा कि नहीं है? अरे आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से विलग हो जाए, अलग हो जाए तो काका ना ना मा माँ काका ताऊ चाचा ताऊ रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? बाप बाप भी नहीं रहेगा हैं? बाप तो रहेगा। अच्छा कौन सा बाप रहेगा कौन सा नहीं रहेगा? लौकिक नहीं रहेगा, वाक्य रहेगा। हैं? लौकिक नहीं रहेगा, अलौकिक पारलौकिक रहेगा। शरीर को जन्म देने वाला बाप बुद्धि से निकल जाएगा। हाँ। बाकी जो अलौकिक है, हाँ, पारलौकिक है, वो रहेगा बुद्धि में। अलौकिक बाप बुद्धि में रहेगा? आत्मा का बाप रहेगा। अरे एक कहता है सिर्फ आत्मा का बाप रहेगा, एक कहता है नहीं नहीं आत्मा का नहीं, जो अलौकिक बाप है वो भी रहेगा। आखिर इन कितने बाप बुद्धि में रहेंगे? दो बेहद के दो बाप है ना। हाँ दोनों रहेंगे। बेहद के दो बाप हैं, आत्मा का बाप और शरीर का बाप। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व इस संसार में माना ही नहीं जाता। जैसे आत्मा है तो शरीर माना जाएगा, शरीर जीता जागता है तो आत्मा भी मानी जाएगी। तो जो नाना चाचा मामा काका ताऊ जो और संबंध है वो सब क्या हो जाते? खलास हो जाते। जब देहभान नहीं रहता, देह नहीं रहती, जब शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है, है? कुछ भी कब नहीं है? अरे जड़ जंगम जहां लगी मनु जाई सो सब माया जानो भाई। ऐसे क्यों बोला? ये जड़ संसार में जो भी जड़ वस्तुएं दिखाई दे रही है, बड़े से बड़े पहाड़ हो, सागर हो, छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, कोई भी जड़ चीज हो, जंगम माना चैतन्य, कीड़ा मकोड़ा भी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, ये सब क्या है? चैतन्य है। जहां लगे मन जाई, मन इनको याद करता है कि नहीं? तो जहां जहां तक मन जाता है वो सब माया है, माया से प्रभावित है।
माया से प्रभावित है तो माया की प्रजा हुई कि नहीं है। अच्छा प्रकृति, पांच तत्वों वाली प्रकृति जो जड़ है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का जो रूप है संघात, वो माया है या नहीं है? हाँ? नहीं है, माया है। इसका मतलब शंकराचार्य ने जो बोला सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, वो सही है या झूठ है? है झूठ है? सही है, सही, सब माया के रूप है। खलु माने निश्चित रूप से, सर्वम माने सर्व, सब कुछ निश्चित रूप से ये ब्रह्म है। गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ब्रह्म को भी क्या कह दिया? माया, वो भी माया है। परम ब्रह्म है, वो माया नहीं है। उसमें शिव बैठा है ना, उसमें शिव बैठा है, और जब ना बैठा हो तो क्योंकि सदैव तो नहीं बैठता, थोड़े समय के लिए संगम युग में ही तो बैठता है, वो भी सब पहचानते हैं क्या? हाँ, पहचानते भी नहीं। तो जिसे परम ब्रह्म कहा है, जिसके सदगुरु कहा है, सदगुरु साकार या निराकार, वो भी क्या है? जिसको दुनिया वालों ने सदगुरु कह दिया माया, तब जब उसमें सुप्रीम सोल नहीं है, अथवा वो सुप्रीम सोल का संपन्न रूप नहीं बना है, तो भी क्या है? तो भी माया है। ये पांच तत्वों की प्रकृति भी माया है, वो भी किसके प्रभाव में आ जाती? माया के प्रभाव में आ जाती। तो जब शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं, आत्मा का ज्ञान है। ऐसे मत समझो कोई को आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुम बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से समझा सकते हो, कोई को महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है। हा? कहा जाता है क्यों? महान परमात्मा क्यों नहीं कहा जाता? क्यों? वो तो एक ही है, उसकी किसी से तुलना, मानता की तुलना की नहीं जा सकती। आत्मा को भोग लगाया जाता है ना, कोई मर जाते हैं उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे उनकी परमात्मा को बुलाया जाता है, है? भक्ति मार्ग में पितरों को बुलाते हैं, उनको भोग खिलाते हैं अच्छे अच्छे बना करके, तो क्या परमात्मा को भोग लगाते हैं? है नहीं? ये तो तुमको बहुत प्रकार से समझाया गया है कि कोई भी हालत में आत्मा को कभी परमात्मा कहा ही नहीं जा सकता है, है? कभी भी परमात्मा नहीं कहा जा सकता। क्यों? कोई भी हालत में आत्मा को कभी भी परमात्मा नहीं कहा जा सकता, संगम युग में नहीं कहा जा सकता, है? है? फिर वो आत्मा है कि परमात्मा है? फिर वो आत्मा कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्कर से न्यारी है,
निश्चय निश्चय के बेहद के जन्म मरण के चक्कर से भी न्यारी है। वो तो गाया ही जाता है कि बरोबर परमात्मा जन्म मरण से रहते हैं, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। ये बच्चे अभी समझ गए अच्छी तरह से कि पहले तो पहले जो आत्माएं हैं वो ही हैं देवी देवताएं। क्या देवी देवताएं कौन हैं? हैं? नहीं, आत्माएं तो 500 करोड़ हैं, सब पहले तो पहले हैं। हैं? कौन है पहले से पहले? वो कौन है देवी देवता जो पहले से पहले है? उनसे पहले और कोई नहीं। अरे सूर्यवंशी भी तो 9 लाख हो जाएंगे, वो 4.5 लाख हो जाएंगे। हैं? सूर्य नारायण, बस पहले तो पहले लक्ष्मी नारायण ही है और कोई नहीं। अरे उनका 2 का ही परिवार होता है क्या? है हाँ, जो नई दुनिया होगी वो 2 से बन जाएगी क्या? 84 भी यहाँ भारत में गाया जाता है कि 84 का चक्कर, गीत भी बहुत गाते हैं 84 के चक्कर पर। अब ये तो बच्चे जान गए हैं कि अच्छी तरह से ज्ञान का सागर हमारे सन्मुख बैठा है। ये कैसे कह दिया? अभी अभी माने कभी? अरे अभी ये तो बच्चे जान गए हैं अच्छी तरह से कि ज्ञान का सागर सन्मुख बैठा हुआ है। है? अरे कब की बात है? है? अरे ये मुरली कब की है? 64 की है। तब बच्चे थे ऐसे जो जान गए हैं। कौन बच्चे थे? हैं? पहले के बच्चे माना भविष्य को इमर्ज किया, आगे के कल्प को। हाँ, बाबा के सामने इमर्ज किए हुए बच्चे बैठे थे, उनके लिए कहा। अभी तो ये बच्चे जान गए हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं कि ज्ञान का सागर सन्मुख बैठा हुआ है, क्योंकि जरूर पतित पावन को ही ज्ञान का सागर कहेंगे। ज्ञानी जिसको कहा जाता है वो तो बाप ही ठहरा ना। उनको कहा भी जाता है ज्ञानेश्वर। किसका ईश्वर? हैं? ज्ञानेश्वर माने ज्ञानियों का ईश्वर। ईश्वर माने शासन करने वाला, कंट्रोलर, शासक। ईश्वर माने शासन करने वाला। वर माने श्रेष्ठ, जो शासन करने वालों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। यानी ईश्वर में ही ज्ञान है। और सब तो नंबर बार होते हैं और दुनिया में तो ऐसे बहुत हैं जो अपना नाम रख देते हैं। क्या ईश्वर चंद नहीं रखते हैं? ईश्वर चंद्र विद्या सागर। ओम शांति।